नमस्कार दोस्तों, भूपेंद्र सिंह आप सभी का फिर से एग्जाम गुरु में स्वागत करता हूं। दोस्तों, 19,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने लेकर आए हैं कि आज 26 मई हो चुकी है और 26 मई आज फॉर्म भरने की भी लास्ट डेट है। आप सबको जानकारी हो कि 18 तारीख से लेकर 26 तारीख तक फॉर्म भरे जाने थे, आज उसकी लास्ट डेट है। और अब तक 1.32 मतलब 1.32 लाख आवेदन हो चुके हैं। अभ्यर्थियों को मिली मोबाइल नंबर में संशोधन की अनुमति। परीक्षा को लेकर दूर नहीं हो रही नाराजगी। मेरिट को लेकर लग रहे कयास। और 31 मई को जारी होगी जिला आवंटन की सूची। दोस्तों, इन सभी न्यूज की डिस्कस वन बाय वन करके आप सभी से करना चाहते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखा करें, क्योंकि जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वो वीडियो के अंत में ही मिलते हैं। दोस्तों, चलिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि जो पल पल की अपडेट होती है वो भी हम आपके सामने लेकर आते हैं। दोस्तों, दिखाते हैं आपको न्यूज़ की। अब तक 1.32 लाख आवेदन हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि अंतिम दिन में एक दिन पहले 1.32 लाख आवेदन की अंतिम तिथि थी तक 1.32 लाख ऑनलाइन आवेदन अपलोड हो चुके हैं। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में अब तक कुल जो 1.42 लाख अभ्यर्थी सफल हुए थे, इसमें से 1.32 लाख अभ्यर्थियों ने पूरे दिन कर दिए हैं। अब मात्र 12,000 ही आवेदन शेष हैं। इसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मोबाइल नंबर की संशोधन वाले भी होंगे। मोबाइल नंबर में संशोधन के अतिरिक्त फॉर्म में संशोधन की मांग करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में शामिल होने के आसार हैं। दोस्तों, और आप सभी को पता चलें कि परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों को दूर नहीं हो रही नाराज़गी। आप सबको पता चलें कि इस भर्ती में बहुत बड़ा धांधला हुआ है और धांधले के साथ साथ में किसी के 140, किसी के 142, किसी के 143 नंबर ऐसे आ रहे हैं और उम्मीद लगाई जा रही है कि मेरिट हाई जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस परीक्षा में बहुत बड़े धांधले होने के आसार दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सहायक अध्यापक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल होने के लिए 18 से 26 मई के बीच ऑनलाइन आवेदन मांगे। अब तक कुल 1.32 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से अभ्यर्थियों की शिकायत सुनने और ऑनलाइन निस्तारण के लिए परिषद की ओर से हेल्पलाइन नंबर पर ईमेल आईडी जारी की। परिषद की ओर से अंतिम तिथि के समय जारी की गई मेल आईडी पर सोमवार तक कुल 11,000 से अधिक ऑनलाइन शिकायतें पहुंची हैं। परिषद की ओर से दूर से हर अभ्यर्थियों की शिकायत दूर करने की कोशिश की जा रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि एक अभ्यर्थी ने 2 से 3 शिकायत दर्ज कराई है। हेल्पलाइन नंबर में लगभग 800 शिकायतें दर्ज की गई हैं। और दोस्तों, बता चलें कि आपके जो मोबाइल नंबर अनुमति थी वो कल आप सभी को मिल भी गई थी कि 30 घंटे पहले मोबाइल नंबर बदलने की सुविधा कि 19,000 शिक्षक भर्ती में मंगलवार की रात 12 बजे हो रहे ऑनलाइन आवेदन से 30 घंटे पहले सोमवार तकरीबन 6:30 बजे अभ्यर्थियों ने अपने ऑनलाइन आवेदन भरने का विकल्प चुना और जिन अभ्यर्थियों के नंबर बदल गए थे वो अब बेसिक विभाग की वेबसाइट, आप देखें मैं वेबसाइट दे रखी है, इसमें वेबसाइट है, आप इस पर संशोधन कर सकते हैं। और अब तक 1.32 लाख आवेदन हो चुके हैं। और आप सभी को बता चलें 31 जारी को होगी जिला आवंटन की सूची। किस शिक्षक भर्ती में जिला आवंटन की सूची की वेबसाइट 31 मई को जारी होगी। मंगलवार रात 12 बजे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 27 से इनकी जांच होगी और प्रोसेसिंग के बाद अंतिम सूची तैयार होगी। और शिक्षक भर्ती में सीबीआई जांच करने की मांग। युवा मंच अध्यक्ष अनिल कुमार ने सीएम को पत्र लिखकर शिक्षक भर्ती में सीबीआई की जांच की मांग की है कि आरोप है कि भर्ती में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। दोस्तों, ये सभी न्यूज थी जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और जो भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि जो पल पल की अपडेट होती है वो भी हम आपको अवश्य इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बताते हैं। थैंक यू। तो धन्यवाद आप सभी का। भूपेंद्र।